चल तो बिना कंपास के बना ले, तो इतना खूब मेजर रोल नहीं है उसके अंदर कंपास का, बिना कंपास के बना ले। बस कंपास से बनाने में होता है कि एग्जैक्टली पॉइंट मिल जाता है, यूज द स्किल। देखो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है एक कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर रेफर्स टू ए स्टेज ऑफ अ पासन स्टीम टर्बाइन कंपेयरिंग वन स्टेज ऑफ फिक्स ब्लेड एंड वन रोइंग ऑफ मूविंग ब्लेड। तो यहाँ से है ना ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि है ना, अगर ये पासन स्टीम टर्बाइन का नाम नहीं भी देता तो जब इसने बोला ना कि हमारे पास में क्या है, एक फिक्स ब्लेड है और एक मूविंग ब्लेड है, इट मीन्स हमारे पास में कैसी टर्बाइन है, ये रिएक्शन टर्बाइन है। और रिएक्शन टर्बाइन में हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हमारे कोर्स के अंदर हम स्टडी करते हैं पार्सन टर्बाइन के बारे में, सो दिस इज द पार्सन टर्बाइन। ठीक है, फिर हमको बोला गया कि है ना इसका जो मीन डायमीटर ऑफ ब्लेड रिंग है वो कितना है, 70 सेंटीमीटर का है। तो मैं एक साइड में गिवन डाटा लिख देता हूँ केवल, ठीक है, कि हमको डाटा गिवन क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या गिवन है, द मीन डायमीटर ऑफ द ब्लेड रिंग इज 70 सेंटीमीटर, दैट इज डी इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर, दैट इज 0.7 मीटर। फिर हमको इसका है ना रोटेशन दे रखा है 3000 आरपीएम का, तो एन दे रखा है हमको कितना, 3000 आरपीएम। देन स्टीम वेलोसिटी एट एग्जिट फ्रॉम ब्लेड्स, कि है ना जो ब्लेड्स से स्टीम वेलोसिटी एग्जिट हो रही है वो कितनी है, 160 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको है ना सीवन गिवन है कितना, 160 मीटर पर सेकंड। फिर क्या देखा है, ब्लेड आउटलेट एंगल स्टीम फ्लो थ्रू द ब्लेड्स, जिन ब्लेड से है ना ये स्टीम फ्लो हो रही है, दैट इज अगेन अल्फा 120 डिग्री। कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा तुम लोगों के ना, स्टीम से है ना ब्लेड का आउटलेट एंगल दे रखा और सर आप नोजल का इनलेट एंगल बता रहे हो, ये देखो यहाँ पर जो ब्लेड से ना वो किसके जैसे वर्क कर रही है, वो हमारी है ना वर्क कर रही है किसके जैसे, वो हमारी है ना नोजल की जैसे वर्किंग कर रही है। तो जब नोजल के लिए स्टार्टिंग की अगर बात करें तो नोजल से कहाँ जा रही है, हमारे पास टर्बाइन के अंदर जा रही है, तो जो नोजल का आउटलेट एंगल है वो टर्बाइन के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, इनलेट एंगल आ जाता है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, अल्फा 1 बोल दिया है। और ब्लेड आउटलेट एंगल है तो ब्लेड आउटलेट एंगल को हम लोग बीटा 2 भी बोल सकते हैं, कि बीटा 2 इक्वल्स टू अल्फा 1, दैट इज 20 डिग्री फॉर द पार्सन टर्बाइन ओनली। ठीक है, फिर क्या बताया गया है हमको, यहाँ पर मैं है ना मास फ्लो रेट लिखना भूल गया हूँ, तो इसकी मास फ्लो रेट और दे रखी है हमको, दैट इज 7 kg per second स्टीम फ्लो थ्रू द ब्लेड्स, एम डॉट इज 7 kg per second। ओके सो डाटा गिवन टू यू, तो इसके थ्रू हमको क्या बनाना है, इसका वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इस डाटा की हेल्प से हमको क्या करना है, इसका वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना है। व्हेन वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस डाटा, तो देखो आपको क्या निकालना है, ब्लेड इनलेट एंगल निकालना है, टेंजेंशियल फोर्स निकालना है। ब्लेड इनलेट एंगल क्या होता है हमारे पास में, बीटा 1, अगर मेरे पास बीटा 1 निकल जाए या अल्फा 2 निकल जाए तो मैं इन दोनों से क्या निकाल सकता हूँ, ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, पावर डेवलप निकालनी है तो पी कितना हो जाता है हमारा, MUCW/1000 एंड टेंजेंशियल फोर्स इज M.CW। तो ट्राई करो एक बार, फिर बात करते हैं कैसे होगा। सो ट्राई वंस, क्या कर सकते हैं, यू कितना आया,
What is the value of U? हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट नाइन फाइव बाकी लोगों के ये समझ में आ रहा है क्या यू कैसे निकाला जाएगा? नहीं सर एनीवन एल्स यू कैसे निकालेंगे? सो पाई डी एन अपॉन 60 बिल्कुल पाई डी एन अपॉन 60 मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं लिया है तो ना दूसरी स्लाइड पे आ रहा हूँ देखो हम लोगों को है ना U गिवन है U हम लोग है ना फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूजिंग पाई डी एन अपॉन 60 ठीक है U हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं U का फॉर्मूला होता है पाई डी एन अपॉन 60 तो हिमांशु नरू का तो क्लास में नहीं आया ना इसलिए देखो नहीं पता है पाई डी दे रखा है 0.7 एन दे रखा है हमको 3000 और डिवाइडेड बाय 60 तो कितना आया 109.95 मीटर पर सेकंड इसको है ना अप्रोक्सीमेटली अपन है ना 110 ले लेते हैं 110 मीटर पर सेकंड तो 109.95 को अगर ड्रॉ करेंगे तो 110 के अप्रोक्सी हो गया ये तो मैंने इसको कितना ले लिया 110 मीटर पर सेकंड ले लिया अब मुझे U दे रखा है मुझे C1 दे रखा है मुझे अल्फा 1 दे रखा है ठीक है तो मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ मेरा इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ अब मुझे ये वैल्यू दे रखी है तो क्या मैं है ना इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ यस सर करके बताओ स्टेप बताओ सबसे पहले क्या करेंगे सर यू को ले लेंगे स्केल के अनुसार 25 कुनाल स्केल ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड यस सर टेकिंग एज स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड ठीक है कुनाल ने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे एक यू बनाएंगे 110 मीटर पर सेकंड की तो 110 के हिसाब से ही कितना हो गया 110 डिवाइडेड बाय 25 4.4 ठीक है तो एक लाइन ड्रॉ करो जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी 4.4 मीटर पर सेकंड की होगी तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि कितनी है 4.4 मीटर पर सेकंड की है फिर उसके आगे ड्रॉ करो इसको ठीक है जब इतना कर दिया है तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे अल्फा 120 डिग्री ए पॉइंट से अल्फा 1 ड्रॉ करेंगे दैट इज 120 डिग्री बहुत बढ़िया तो ड्रॉ करो जिनको नहीं पता है कैसे ड्रॉ करना है
ऐसे इस पॉइंट के ऊपर डी रखना हॉरिजॉन्टली और यहाँ पर 20 डिग्री पे मार्क कर देना, ठीक है। 20 डिग्री पे मार्क करने के बाद में अपने डी को हटा लो और स्केल लेने के बाद स्केल लेकर यहाँ पर स्केल लेकर इस पे ना लाइन खींच लो। जिनके पास कंपास है बहुत बढ़िया, जिनके पास कंपास नहीं है वो क्या करेंगे, वो कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। हमारा सी वन कितना है, 160। 160 के हिसाब से कितनी डिस्टेंस होती है, 160 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करना, 6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देना। तो 6.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए मैंने इसको रखा यहाँ पर, और ये एक 6.4 लाइन तुम्हारी बड़ी बनेगी क्योंकि मेरी ऊपर वाली लाइन थोड़ी छोटी है। ऊपर भी देखा जाए अगर 4.4 की बनानी थी ना ऊपर, यस सर 4.4 सो है इज 4.4। ये रेड वाली लाइन जो है 4.4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो इस टाइप से ट्रायंगल ड्रॉ होगा। और फिर ट्रायंगल के बाद में आगे का काम करो। ये पॉइंट मिल गया, लेट सपोज कि दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये जहां पर है ना ये एक्सटेंड हुई वो पॉइंट हो गया सी। हम क्या करेंगे, बी को सी से मिला देंगे। बी को क्या करोगे, सी से मिला दोगे। देखना कितने सेंटीमीटर की लाइन आ रही है बी को सी से मिलाने पर। और ये वाला एंगल मेजर करके बताना, व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड द बीटा वन। सर 2.7 और 54 डिग्री। 54 बेटा, 52 आ रहा है मेरा, देखो यहाँ पर। तो ये तो सही भी बनाया, जबकि सर 54 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 54 डिग्री। और बाकी लोगों का सर, मेरा भी 54 डिग्री आ रहा है एंगल, 54 ही आ रहा है। ये करेक्ट बनाया ना, 4.4 सेंटीमीटर की लाइन, 20 डिग्री का एंगल, ये हमारे पास 4.4 थी, फिर ये बनी थी हमारी 6.4 की, ठीक है। फिर हमने बी से सी को मिलाया तो फिर तुम्हारे पास एंगल आ रहा है 54 डिग्री। यस सर। और किसी जनता का कुछ और, प्रिया कितना है? सर 53 आ रहा है। 53 आ रहा है। यस सर। वेस सर मेरा तो 54 आ रहा है।
चलो जो बुक में आ रहा है ना दैट इज अ 52.5 और व्हेन आई ड्रॉ दिस तो मेरा भी इतना ही करीब आ रहा था. सो लेट्स सपोज कि मान लेते हैं कि है ना तुम लोग कहीं पर अगर इशू हुआ तो लेट्स सपोज कि इसको अपन मान लेते हैं 53 डिग्री ठीक है. जो ऑफिशियली बुक के अंदर आंसर है उसके अंदर 52.5 डिग्री है बट इट्स ओके विद द 0.5 डिग्री. बट 1 डिग्री का अगर इश्यू हो रहा है तो देखना बच्चे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है. इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए अगेन हम किसको डी को लेकर आएंगे. डी को लेकर रखेंगे इसके ऊपर. इस लाइन को बेस मानेंगे और इस लाइन को बेस मान के कितना डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे? गुड. यहाँ पर है ना हम लोग इस लाइन को बेस मानेंगे और लाइन को बेस मान के ना 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. और इसको है ना यहाँ से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देना. एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है. इसको मार्क कर देना एज अ पॉइंट डी. लेट अस मार्क इस एज अ पॉइंट डी. ठीक है. ये हमारा इनलेट ट्रायंगल ड्रॉ हो गया. और इसकी हेल्प से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? आउटलेट ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे. आउटलेट ट्रायंगल को ड्रॉ करने का बहुत अच्छा सा फंडा कि ये तो हमारे पास में क्या थी? ये थी हमारे पास में यू. ये क्या था हमारे पास में? सी वन. This is the CR1, this is the CF1. सिर्फ उसको मेजर करेंगे जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होगी. हमको पता है पार्सन्स टरबाइन के अंदर क्या होता है. फॉर द पार्सन्स टरबाइन बताओ पैरामीटर बताओ क्या क्या हम लोग एक को लेके चलते हैं. नादान व्हाट इज द वैल्यू फॉर द पार्सन्स टरबाइन? क्या क्या कंसीडर करेंगे पार्सन्स टरबाइन के लिए? पहली चीज तो मैंने क्वेश्चन के अंदर लिखी थी अल्फा वन इक्वल्स टू बीटा टू. दूसरी चीज अल्फा टू इक्वल टू बीटा वन. अल्फा टू इक्वल्स टू बीटा वन एंड सीआर टू इक्वल्स टू सी वन. And fourth thing is CR1 is equals to C2. अब हमारे पास यहाँ पैरामीटर ही पैरामीटर है जो हमको सब पता है. हमको पता है C1 कितनी है? 6.4 है. ती क्या बनेगी? CR2 बनेगी. हमको पता है C1 कितनी? 6.4 सेंटीमीटर मतलब 160 मीटर पर सेकेंड. पास में CR2 बनेगी. वी ऑल्सो ने बीटा 1 और अल्फा 2 हम लोग निकाल चुके हैं. कितना बन के आया हमारे पास में? 53 डिग्री का आया है. अल्फा 1 और बीटा 2 भी हमको पता है कितना है? 20 डिग्री का है. CR1 तुम मेजर कर लोगे तो तुम्हारे पास उधर से क्या निकल के आ जाएगी? C2 निकल के आ जाएगी. ठीक है. तो इफ इट इज सो तो हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट B के ऊपर? इस पॉइंट बी के ऊपर है ना किसी को हम लोग क्या करते हैं सीआर. पहले तो कितना एंगल ड्रॉ करते हो? 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे. यहाँ से आपने ना 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया. इसको भी ढंग से कर लें जब इतना सारा ढंग से किया तो.
ठीक है, ये 20 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया, इस 20 डिग्री के एंगल पे कितनी लंबी लाइन खींचनी, 6.4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से वापस से स्केल लो, स्केल लेके है ना क्या करो, 6.4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से मिलाती हुई। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या करा, इसको मिलाते हुए 6.4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, पॉइंट को मार्क कर दो डी, दैट दिस पॉइंट इज डी। फिर क्या करोगे, ए को मिला दोगे डी से, डी से डाल देंगे इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और इस लाइन को कर देंगे एक्सटेंड। नाम दे देते हैं इसको ई, और ये डी गलत दे दिया गया है तो इसको हम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया। मेजर द वैल्यू डी, जो कि किसको बता रहा है, सी डब्ल्यू को बता रहा है। मेजर द वैल्यू डी जो कि किसको बता रहा है, सी डब्ल्यू को बता रहा है। बताना जरा मेजर करके कि सी डब्ल्यू कितना है। गिव मी द वैल्यू इन द मीटर पर सेकंड प्लीज। Give me this value into the meter per second. Sir, 192.5. 192.5. Yes, sir. और कोई? Centimeters में कितना आया था बच्चे? Sir, 7.7. Sir, 7.1. Oh, 177.5. नहीं. नहीं 175 नहीं। राहुल? यस सर। कितना बच्चे? 175 बोलो सर। रितेश? 175 ही आ रहा है। यार बच्चे तुम लोगों के इतना डिफेक्ट क्यों आ जाता है? इसकी ना जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो सामने से सी डब्ल्यू है, और ये सी डब्ल्यू जो आएगा ना एग्जैक्टली जो इसने प्रिया ने बताया ना वही आ रहा है, 192.5 मीटर पर सेकंड। आप लोगों के इतना इतना इफेक्ट कैसे आ गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बहुत डिफरेंस है ये। अगर आप कोई 192.5 की जगह 190 बोलता ना तो मैं बोलता ठीक है, एग्जैक्टली जो आएगा ना दैट इज एग्जैक्ट है ये 192.5, ना एक ऊपर है ना एक नीचे है। सो मुझे या तो है ना ऐसा हो सकता है कि है ना आप लोगों की कहीं ड्राइंग में दिक्कत दिख रही है, ड्राइंग दिखाना तो अपनी। रूपांशी ड्राइंग दिखाना अपनी। सर इतना ही आ रहा 192.58। अरे बहुत बढ़िया वीरेंद्र, मुझे तेरे जैसे बंदे तो तलाश थी। क्यों क्यों? क्योंकि सही आया तेरा। थैंक यू सर। अरे सर अल्फा की वैल्यू तो वही रखनी है जो आपने दे रखी है 53 और
उसमें सी वन की मल्टीप्लाई करनी है 160 से, अल्फा बीटा हमारे बराबर हैं। अरे बस बस बस, बस समझ गया, 192.5 इज करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। चलो अगर यहाँ पर इशू आ रहा है ना बच्चे, तो एक काम करना, जिन लोगों को भी है ना एक बार इसको देखना है, तो एक बार जूम पे कनेक्ट हो जाना, और जूम पे कनेक्ट होकर मुझे बता देना, या फिर मुझे ना एक बार में बता देना कि वैसे आप से ना ड्रॉ करके दिखा दो पूरा ढंग से, तो पेंसिल स्केल लेके इसको पूरा ड्रॉ कर देंगे अपन, ठीक है जी सर? यस सर, ठीक है। तो इसको पूरा ड्रॉ करके दिखा देंगे, तो जहाँ पर भी इश्यू जनरेट हो रहे हैं आप लोगों के एंगल ड्रॉ करने के अंदर, तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट आएगी वैल्यू, ये है ना, वेरिएशन नहीं आएगा ज़्यादा इस चीज़ के अंदर। तो हम लोगों ने ना ये सी डब्ल्यू निकाल लिया है, हमने बीटा वन निकाल लिया है, तो हमसे है ना सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, वापस आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ब्लेड इनलेट एंगल पूछा था, जो ब्लेड एंगल है इनलेट एंगल हमारे पास कितना आ गया था, 53 डिग्री का इनलेट एंगल आ गया था, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 53 डिग्री। टेंजेंशियल फोर्स ऑन द रिंग ऑफ मूविंग ब्लेड दैट इज एम डॉट सी डब्ल्यू, तो एम डॉट आपको दे रखा है 7 के जी पर सेकेंड, एम डॉट दे रखा है हमको 7 के जी पर सेकेंड, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं इससे, टेंजेंशियल फोर्स निकाल सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा एम डॉट सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू की वैल्यू लेनी है हम लोगों को 192.5, और एम डॉट दे रखा है हमको 7, तो मल्टीप्लाई करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है, 1347.5 यूनिट बता। हाँ वीरेंद्र यूनिट बता। यूनिट नहीं पता। अबे राहुल बताएगा, देख एक मिनट सेकंड, क्या राहुल क्या बताया? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड नहीं, न्यूटन पर सेवन मीटर और केजी मीटर स्क्वायर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बट है ना इतना घुसने की जगह क्या है, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन तो बोलना था ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं, नेक्स्ट वन इज द पावर डेवलप्ड, पावर डेवलप्ड इज एम यू सी डब्ल्यू अपॉन 1000, तो पावर कुछ नहीं करना है इसको, है ना यू से मल्टीप्लाई करना है और 1000 का डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा किलोवाट के अंदर, तो आपके पास पावर जो आने वाली है, मल्टीप्लाई करके बताओ वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई करके बोलो वैल्यू कितनी है, सर 148.225 किलोवाट, ठीक है, सो ध्यान रखो यूनिट्स का और कैसे ये क्वेश्चन को प्रोसीड करना है उसका, बहुत समराइज कर देता हूँ इसके अंदर, इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले हमने यू को फाइंड आउट किया बाय द यूजिंग ऑफ द फॉर्मूला पाई डी एन अपॉन 60, इस यू को फाइंड आउट कर रहा हम लोगों ने, हमारे पास वैल्यू है 109.95 मीटर पर सेकंड, अप्रॉक्सीमेट इसको कंसीडर कर लिया 110 मीटर पर सेकंड, हमारा डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बन जाए इसके लिए है ना हम लोगों ने स्केल कंसीडर करा 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। जिन लोगों को अभी तक दिक्कत होती है कि ना वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करें, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप सबसे पहले क्या करा करो, एक रफ डायग्राम बना लिया करो, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या रखेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे,
सबसे पहले क्या करो, एक रफ डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद में है ना उसके अकॉर्डिंग क्या करो, इन वैल्यूज को पुट करो। अब ये रफ डायग्राम क्या कहता है, रफ डायग्राम ये हमेशा ये कहता है कि एक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, लाइन पे दो पॉइंट मार्क कर दो, पॉइंट ए और बी। पॉइंट ए किसको बताता है, हमारे पास सी वन को बताता है, और यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होता है वो कौन सा होता है, अल्फा वन होता है। एट सम डिस्टेंस हमारे पास पॉइंट सी आएगा, यहाँ से हम इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और इसको बी से मिला देते हैं। दिस इज द सी आर वन, दिस इज द सी एफ वन, और ये क्या देता है मुझे, एंगल देता है बीटा वन। और ए से बी तक की जो डिस्टेंस होती है ना वो क्या होती है, यू। ठीक है, सिमिलरली फिर पॉइंट बी से एक एंगल बीटा टू ड्रॉ करते हुए एक लाइन जाती है जो कि किसको बताती है, सी आर टू को बनाती है। इसके हम लोगों ने इसको मिला दिया आपस के अंदर, तो ये क्या दे दिया इसने हमको, पॉइंट ई, ये पॉइंट डी, और ई से इसके ऊपर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर, और ए को मिला देते हैं इससे। ये क्या देता है हमको, सी टू, ये हमको देता है सी एफ टू, ये हमको देता है अल्फा टू। बस ये बेस डायग्राम को मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, हमारा ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जो हमको एक्यूरेट होता है। नहीं क्या था 9-10 क्लास में पहले रफ स्केच ड्रॉ करते थे जो लोग हिंदी मीडियम से थे, वो कच्चा डायग्राम बनाते थे, कच्चा चित्र है ना, तो वो बनाने के बाद में फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन क्रिएट करते थे। सेम काम हमको यहाँ पर भी करना है। हम लोगों ने यू निकाला, यू की वैल्यू आई हमारे पास दैट इज अ 110, जो हमारे स्केल के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया तो 4.4 सेंटीमीटर आया। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक 4.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल लाइन। हमको अल्फा वन दे रखा है 20 डिग्री का, तो पॉइंट ए से 20 डिग्री बनाते हुए क्या करा हम लोगों ने, एक एंगल क्रिएट करा और इसके ऊपर 160 मीटर पर सेकंड मतलब 6.4 का एक आर्क कट कर दिया, जो हमको क्या दे रहा था, यहाँ से सी वन को दे रहा था। बी से मिलाया हम लोगों ने सी को, और सी से इसके ऊपर डाल दिया एक परपेंडिकुलर और लाइन को कर दिया एक्सटेंड, इसको मिला दिया पॉइंट डी। व्हेन वी मेजर दिस वी फाउंड दैट डी इज 53 डिग्री। सी आर वन को मेजर करने की हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमने इसको ज़्यादा मेजरमेंट में यूज़ नहीं किया। ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी ट्रायंगल से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, बट हम उन्हीं चीज़ों को है ना ड्रॉ करते हैं जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हम उन्हीं चीज़ों को ड्रॉ करते हैं जिसकी हमको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फिर इस सी आर वन से हमको पता है कि पार्सन्स टर्बाइन के अंदर सी वन किसके इक्वल होता है, सी आर टू के इक्वल होता है, और अल्फा वन किसके इक्वल होता है, बीटा टू के इक्वल होता है। तो ये जो अल्फा वन है इसको बेस मान के हम लोगों ने क्या करा था, ये यहाँ पर से अल्फा टू ड्रॉ कर दिया था 20 डिग्री बीटा टू, जो हमारे है ना यहाँ पर दिखा रखा है, दिस इज द बीटा टू। ये बीटा टू को हम लोगों ने 20 डिग्री के साथ में है ना यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अगेन यहाँ पर एक डिस्टेंस कौन सी आती है, सी आर टू की, तो हमको पता है कि सी वन इज इक्वल टू क्या है, सी आर टू है, तो जितनी सी वन आई थी उतना ही हम लोगों ने सी आर टू कट कर दिया था, कट करके इसको पॉइंट मार्क कर दिया ई, ए से मिला दिया ई को, और इस पर डाल दिया एक परपेंडिकुलर, इसको एक्सटेंड कर दिया। यह हमारे पास वेलोसिटी ट्रायंगल पूरा कंप्लीट हो गया। हमको मेजर करना था डी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस, दिस इज द सी डब्ल्यू इन सेंटीमीटर्स, ये आ रहा था अप्रोक्सीमेट 7.7 सेंटीमीटर, दैट इज 192.5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप से हमारा क्या हो गया था, वेलोसिटी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग है ना इसको एक बार बना के रहेंगे। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है कैन आस्क मी पर्सनली, ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि है ना कहाँ पर क्या इशू हो रहा है। जी सर। ठीक है रूपांशु, उवेश, ट्रायंगल एकदम करेक्ट ड्रॉ होना चाहिए, देखो। हाँ ट्रायंगल एकदम करेक्ट ड्रॉ होना चाहिए, देख लेना कहाँ गलत कर रहे हो, नहीं तो अभी अपना डायग्राम की फोटो खींचो, फोटो खींच के ना मुझे सेंड कर दो, देख के बता दो कहाँ गलती करी है। चलो आज की क्लास को एंड करते हैं जी। ओके 15 मिनट बाद में एमटी की क्लास है, ज्वाइन कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। थैंक यू सर। गुड बाय सर। वेश हो गई क्लास एंड।
भागो कौन हमारी क्लास में जाते कैसे हैं? आपको ऐड कर दूं क्या उसके अंदर ग्रुप्स के अंदर? मैं दोनों क्लास में ऐड कर देता हूँ कि ये जब लिंक भेजते हैं तो मेरे पास ही मेल आईडी आ जाती है, मेल आ जाता है। मेल को बिल्कुल नहीं, आपके लिए वेट कर रहे हैं।